उषा शर्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चावल से पापड़, और वो भी इससे कि हर घर में चावल बच जाते हैं तो उससे हम पापड़ बना सकते हैं। कई बार नहीं खाए जाते तो चावल के पापड़ बना लीजिए तो बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत पतले बनते हैं। देखिए कितने अच्छे ट्रांसपेरेंट बने हैं, बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें कोई भी खा सकता है। चलिए देखते हैं मैंने कैसे बनाया है। यहाँ मैंने एक कटोरी चावल ले लिए हैं और दो आलू ले लिए हैं। आप आलू एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, मर्जी है। मैंने यहाँ पे दो आलू ले लिए हैं। चावल कम होता है तो मैं आलू थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल लेती हूँ, अगर चावल ज़्यादा हो तो फिर आलू कम डाल लीजिए। यहाँ मैंने कच्चे आलू लिए हैं तो कच्चे आलू को हम पानी में डाल देंगे और ताकि काला ना पड़े। अब इसके छोटे छोटे पीस हम कर लेते हैं। पानी में नहीं काटेंगे तो हमारा आलू काला पड़ जाएगा और पापड़ भी हमारे काले बनेंगे। टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आता लेकिन देखने में फ़र्क आता है, तो इस बात का भी ध्यान में रखिए। जो चीज़ हम साफ़ सुथरा बना सकते हैं तो बना सकते हैं। अब हम मिक्सर जार में हम डाल लेंगे, एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। इस पानी को फेंक देते हैं। चावल भी हमने इसमें डाल दिए हैं और जितना चावल था उतना ही हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से हमारा पेस्ट बन जाए। ये हमारा पेस्ट अच्छे से बन गया, बारीक पेस्ट बना लीजिए। थोड़ा मोटा होगा तो आलू के जो हमने पीसा था उसको पहले पीस लीजिए, चावल को बाद में डाल लीजिए। चावल का थोड़ा कंद रह भी जाता है तो खाने में अच्छा लगता है, लेकिन आलू मोटा नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमें पहले आलू को पीसना है। अभी इस पेस्ट को हम कढ़ाई में पलट लेंगे। गैस को हमने ऑन कर लिया है और इसको हम चलाएंगे। और एक कटोरी पानी मैंने और ले लिया है और उस कटोरी के पानी से हमने मिक्सर जार को धो के इसमें डाल दिया है और इसको हम पका लेंगे अच्छे से। चावल तो हमारा पका हुआ है लेकिन हमारा आलू कच्चा है, इसलिए हम आलू को भी पकाना ज़रूरी है। और थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देते हैं, नमक ज़्यादा नहीं डालना है, कम करके डालना है, बस बहुत है। और इसको हम अच्छे से पका लेंगे, लेकिन इसको कंटिन्यूसली चलाना है, लगातार चलाते रहिए आप। अब धीरे धीरे ये पेस्ट गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फ्लेम को हमें लो रखना है, हाई फ्लेम नहीं करनी है। ये देखिए हमारा पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, लो मीडियम फ्लेम पर ही इसको हमें पका लेना है। इसको हम पंखे की हवा में भी बना सकते हैं और धूप में भी बना सकते हैं। अब जो मौसम चल रहा है तो वो धूप में भी और पंखे की हवा में, धूप में तो पूरे दिन में ही ड्राई हो जाते हैं शाम तक, और जो पंखे की हवा में होते हैं तो पूरी रात में हो जाते हैं और सुबह थोड़ी सी धूप लगा देते हैं। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है और थोड़ा सा ये देखिए पेस्ट हमारा इस तरीके से हो गया। इसमें मैंने जितना चावल है उसके बराबर का दो कटोरी पानी इसमें डाल दिया था, क्योंकि आलू में तो खुद पानी होता है, उसमें बिना पानी के ही मैंने उसको पीसा था। अगर आपका ज़्यादा पानी डल जाता है तो सिर्फ सूखने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कम पानी नहीं होना चाहिए, कम पानी होगा तो फिर आपके पापड़ टूट जाते हैं। अब देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया और ये देखो हमारा पेस्ट इस तरीके से जुड़ा रहना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। बस अब हमारा ये रेडी है, बंद कर देते हैं। नमक हम डाल चुके हैं, अब हम थोड़ा सा पिसा जीरा डालेंगे। थोड़ा सा जीरा पीस लिया था मैंने तो जीरे का फ्लेवर इसमें अच्छा आता है। आपको जो फ्लेवर चाहिए उसका आप पापड़ बना सकते हैं, हर चीज़ का पापड़ बन जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता। अब इनको मिक्स कर लेते हैं और मेरे तो यहाँ धूप भी आती है और पंखा, दोनों तरह से मैं बना लेती हूँ। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, पहले इसका ऑफ वाइट था, अब इसका ट्रांसपेरेंट कलर हो गया। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 3 से 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर ये पेस्ट गैस पर रेडी हो जाता है। ये देखिए
और इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी आती है और पापड़ कभी भी नहीं टूटेगा आपका। थोड़ा बहुत तो उठाते में टूट ही जाता है, कोई भी काम करते हैं, लेकिन आपके पापड़ चूरा नहीं बनेंगे, चटकेंगे नहीं। चलिए इसको बनाते हैं, एक बाउल में हम डाल लेंगे और धूप में डाल के आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पॉलीथिन बिछा दिया है और मैं अब यहाँ पर पेस्ट डाल के थोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर पेस्ट डाल देंगे और इसको थोड़ा थोड़ा फैलाते जाएंगे सबको, और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं फैलाना क्योंकि सूखने के बाद भी ये पतले हो जाते हैं। छोटा बड़ा वो अपने हिसाब से फैलाइए, लेकिन ज़्यादा बारीक करेंगे तो फिर वो टूट सकते हैं। और पॉलीथीन इसके लिए मोटा रखिए, मैंने आटे की पॉलीथीन ली है तो ये इस पर टूटते नहीं हैं और ये अपने आप ही जगह छोड़ देते हैं। ना मैंने घी लगाया है ना तेल लगाया है, मेरे पॉलीथीन पे कहीं भी घी तेल नहीं मिलेगा। घी तेल लगाने से बदबू हो जाती है साल भर अगर पापड़ रखते हैं तो, इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बदबू नहीं होगी। सारे फैला दिए हैं, अब सूख जाने के बाद मैं आपको तल करके दिखाती हूँ। पापड़ मेरे सूख करके रेडी हैं और ये देखिए बहुत अच्छे पापड़ बनते हैं ये, और कभी कभी कोई टूट भी जाए तो कोई बात नहीं है। अगर 50-100 पापड़ बनते हैं तो एक दो टूट भी सकते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं है, लेकिन आपके सारे पापड़ कभी नहीं टूटेंगे। पापड़ बहुत ही अच्छा बनता है, ट्रांसपेरेंट ही देखिए कितना अच्छा पापड़ बना है। चलिए फ्राई करके दिखाते हैं। यह तेल मैंने गरम कर रही हूँ, अच्छा गरम होने पर ही पापड़ को डालना है। ये देखिए कितना अच्छा पापड़ बना है हमारा, और इसका साइज भी बड़ा हो जाता है और खस्ता कुरकुरा बनता है, कोई भी इसको खा सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फुल वीडियो देखने के लिए। अगर आप स्किप करेंगे तो वीडियो आपके पापड़ अच्छे नहीं बनेंगे, अगर आप सभी पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके पापड़ भी इसी तरह से बन जाएंगे।